प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रशंसा की। जल संरक्षण चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर भी बात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर का बड़ा फैसला। 14 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की। कांग्रेस के 11, जेडीएस के 3 विधायक शामिल। अयोग्य करार सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। येदुरप्पा सरकार को सोमवार को होगा बहुमत परीक्षण। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती के आदेश के बाद मची खलबली। कयासों का बाजार गर्म। 35 को हटाने की उल्टी गिनती हुई शुरू। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में बड़ी लड़ाई के लिए रहना होगा तैयार। मोजाम्बिक दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई करारों पर होंगे हस्ताक्षर। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और देश के आंतरिक मामलों के मंत्री से राजनाथ सिंह की होगी मुलाकात। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का पहला विदेश दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 अफ्रीकी देशों का दौरा। बेनिन, गाम्बिया और गिनी की 7 दिन की यात्रा पर रहेंगे रामनाथ कोविंद। 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने समाचार एजेंसी को दिया इंटरव्यू। कहा, मुंबई जाकर बीजेपी के लिए काम करने का मन, लेकिन नहीं लड़ूंगा चुनाव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक का पूरा हो चुका है कार्यकाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी ने हैदराबाद के AIG अस्पताल में ली अंतिम सांस। निमोनिया से थे पीड़ित। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं जयपाल रेड्डी। देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही कुर्क की जाए, निजी और पारिवारिक संपत्ति को कुर्क न किया जाए। महाराष्ट्र के लोगों को बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की जताई संभावना। बीएमसी ने लोगों से सतर्क रहने को कहा।